जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है और इसी कड़ी में सेना के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में एक जवान शहीद हो गए हैं। टेरर ब्रिगेड के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। कुपवाड़ा में आतंकियों के लिए काल बनी सेना। चप्पे चप्पे पर दहशतगर्दों की तलाश। लोलाब एरिया में एक ऑपरेशन चल रहा है। बीते कई घंटों से कुपवाड़ा का लोलाब संगीनों के साए में है। आतंकवाद का फन कुचलने की कवायद में यहां सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीर पंजाल फॉरेस्ट रेंज में चल रहा यह ऑपरेशन कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा लोकेशन को देखकर ही लगाया जा सकता है। पूरे फॉरेस्ट एरिया में जगह जगह पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के कदावर पहाड़ हैं, हर तरफ से यहाँ पे घने जंगलात हैं, देवदार हो, पाइन हो, फर हो, और यहाँ पे ऑपरेशन चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कैनोपीज हैं इन पेड़ों की, उसके नीचे मिलिटेंट आसानी के साथ छुप पाते हैं। और यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके की टेरेन है, किस तरीके के ये माउंटेन्स हैं और किस तरीके के दर्रे हैं। तो यहाँ पे खास तौर से हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाता है और ड्रोन काम नहीं करता है। दरअसल हाल ही में घुसपैठ करने वाले आतंकी दस्ते को सेना ने लोलाब नियंत्रण रेखा के करीब घेर रखा है। इस दौरान हुए इनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर भी किया जा चुका है। जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में जारी ऑपरेशन में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। यह ऑपरेशन कल शाम उस वक्त शुरू हुआ था जब सुरक्षा बलों को मालूम चला था कि इस फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, यानी दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। रात भर फायरिंग का सिलसिला रुक रुक के जारी रहा। जानकारी के मुताबिक इलाके में अभी भी कुछ आतंकी छिपे हुए हैं क्योंकि दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। यही वजह है कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार इलाके को घेरे हुए हैं। लोलाब में एक ऑपरेशन चल रहा है फॉरेस्ट एरिया में। हम उसी एरिया में हैं, यानी पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज कश्मीर से लेके जम्मू सूबे के राजौरी पुंछ तक पड़ता है। पीर पंचाल एरिया का नॉर्थ यहाँ है, साउथ वहाँ है, और दोनों जगहों पर इसी तरीके का एरिया है, इसी तरीके की पहाड़ियाँ हैं। दरअसल इस इलाके में सेना का ये तलाशी अभियान कई घंटों से चलाया जा रहा है। इसी दौरान आतंकियों की टोली ने सेना के खिलाफ फायरिंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सेना ने भी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए उन पर फायरिंग शुरू की। दावा किया जा रहा है कि इन जंगलों के बीच आतंकियों को ऑटोमेटिक वेपन के साथ देखा गया है। पाइन के पेड़, फर के पेड़, और यहाँ पे ऑपरेशन चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। यही वजह है कि कई दिनों तक फॉरेस्ट एरियाज में ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, या पूरा कश्मीर का गुरेज से लेके फिर कुपवाड़ा तक, कुपवाड़ा से लेके बारामुल्ला और पूरा हाजी पीर के सेक्टर में, ये सारा एरिया पीर पंचाल फॉरेस्ट का आता है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि छुपे हुए आतंकियों को भी ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द अगर इन दहशतगर्दों को खत्म नहीं किया गया तो ये अपने कायराना मकसद को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि आतंकी माद में घुसकर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस दहशत का खात्मा करना चाहती है।